नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन पीसी एंड एसी सिस्टम ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेन लाइन एंड सब अर्बन रेलवे सर्विस। इसके अंदर मेन लाइन और सब अर्बन रेलवे है, उसमें कौन सी सप्लाई यूज की जाती है उसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, तो डीसी एंड एसी सिस्टम क्या होता है? रेलवे में डीसी सिस्टम 1500 वोल्ट सप्लाई के लिए यूज की जाती है और एसी के अंदर 25000 वोल्ट सप्लाई यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन मेन लाइंस के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रहती है, मेन लाइंस लंबे डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें पॉसिबल नहीं है डीसी को यूज़ करना, क्योंकि पावर लॉस ज़्यादा होता है इसके अंदर। लो वोल्टेज 1500 वोल्ट लो वोल्टेज है, इस कारण इसके अंदर लाइन लॉसेस भी ज़्यादा होती है। इसके कारण से हम एसी सिस्टम को यूज किया जाता है। पावर लॉस किस प्रकार से होते हैं वो बताए। ठीक है, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। अगर आई की वैल्यू किस पर निर्भर करती है, आई बराबर लिख सकते हैं पी बराबर वी आई, वोल्टेज और करंट की टर्म में पावर को इस रूप से लिख सकते हैं। यहाँ से आई की वैल्यू निकालते हैं, आई की वैल्यू पी अपॉन वी हो गया, मतलब कि करंट की वैल्यू पावर और वोल्टेज पर दोनों पर निर्भर कर रही है। तो करंट को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू पी एंड आई इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर वोल्टेज की सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी जाए, तो करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी तो करंट की वैल्यू घट जाएगी। जब करंट की वैल्यू घट जाएगी तो पावर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो जो लॉसेस है उसकी वैल्यू भी घट जाएगी अल्टरनेट। इसलिए एसी के सिस्टम में हाई वोल्टेज वैल्यू यूज किया जाता है, ताकि जो पावर लॉस होता है लाइन के अंदर वो भी नहीं हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपन अगर सपोज करो अपन को एसी सिस्टम यूज कर दिया, जो ओएची लाइन जाती है इसमें सिंगल वायर में, उसमें अगर एसी सिस्टम यूज किया जाए तो, लेकिन अपना जो मोटर होता है डीसी मोटर भी यूज किया जाता है, वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी यूज किया जाता है इसके अंदर, वो थ्री फेज पे चलता है, जबकि अपन सिंगल वायर में सिंगल फेज यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रिफिकेशन में रेलवे के अंदर। उसको कैसे कन्वर्ट करना है थ्री फेज सिस्टम में, तो उसको जब ओएची लाइन है, ठीक है, जब ओएची लाइन है ये, तो पेंटोग्राफ की सहायता से अपना इंजन है यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इंजन से जब आएगा नीचे तो ट्रांसफार्मर लगाता है, ट्रांसफार्मर से फिर कहाँ जाएगा, मोटर में आएगा, और मोटर से जो भी करंट है नेगेटिव हाथ नेगेटिव ट्रैक से मिल जाता है। ठीक है, मोटर से ओके जो नेगेटिव हाथ है वो रेल से मिल जाता है, ऐसे कंप्लीट सर्किट हो जाता है और मोटर अपनी स्टार्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर यूज करना हो तो रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में कन्वर्ट करके और डीसी सीरीज मोटर में दे दिया जाता है। अगर यहाँ पर थ्री फेज एसी इंडक्शन मोटर हो तो थ्री फेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले एसी है, एसी को एक रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। डीसी में क्या है, एक कैपेसिटर टाइप सिस्टम यूज किया जाता है ताकि प्योर डीसी प्राप्त हो। ठीक है, इस प्योर डीसी को फिर आईजीबीटी से कन्वर्ट किया जाता है थ्री फेज सिस्टम में। आईजीबीटी क्या है, एक स्विचिंग सर्किट होता है, आईजीबीटी एक स्विचिंग सर्किट होता है, उसके द्वारा अपन थ्री फेज एसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपन मेन चीज़, जो सिंगल वायर एसी आता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं थ्री फेज एसी वायर में। तो यहाँ पॉइंट वाइज अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं कि अगर मेन लाइन्स है तो उसमें सिंगल फेज एसी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसे क्या फ़ायदे हैं। अपन जानते हैं कि मेन जो लाइन्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो ओवरहेड स्ट्रक्चर होता है उसे मिनिमम कॉस्ट रखा जाता है, और दूसरी चीज़ है हाई रिस्क मैक्सिमम स्पीड। अगर अपन एसी सिस्टम यूज कर रहे हैं हाई वोल्टेज पर मेन लाइन में, तो वो हाई स्पीड मेंटेन रखते हैं, इसमें हाई स्पीड चाहिए अपन को। और सबसे थर्ड चीज़ है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर मेन लाइन सर्विस एज इन अर्बन सर्विस। कहने का मतलब ये ब्रेक लगाना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना, ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता है मेन लाइन्स में। यहाँ जो दो स्टॉपेज होता है दो स्टेशन के मध्य, दूरी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू सब अर्बन, तो इसलिए बार बार रोकना स्टार्ट करना ये नहीं होता है इसके अंदर। यहाँ पर अपन को मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन रखना जरूरी होता है, मेन मकसद यही होता है। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी सिस्टम यूज क्यों किया जाता है मेन लाइन्स में, क्योंकि इसका तो एक तो हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं जगह जगह सब स्टेशन लगाए जाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी, जब रिक्वायरमेंट कम रहेगी तो उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। बराबर, कॉस्ट ऑफ कैसे डिक्रीज हो जाएगी, जो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है वो कंडक्टर का, वो भी स्मॉलर यूज किया जाता है इसके अंदर। ठीक,
वो सेकंड पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट वो देख रहे हैं लेस नंबर ऑफ सब स्टेशन रिक्वायर्ड। बिल्कुल, अगर हाई वोल्टेज भी आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो लॉसेस कम होंगे, जब लॉसेस कम होंगे लाइन के अंदर तो आप एक इंटरवल के एक डिस्टेंस होता है वहाँ पर अपन सब स्टेशन बना सकते हैं, दूर दूर बना सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि इनिशियल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एसी सिस्टम आर लेस कंपेरेटिवली अदर सिस्टम। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो कनेक्ट नहीं होते हैं, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से क्या है एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में, मतलब हाई वोल्टेज से अगर लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो इजीली रूप से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए बाहरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बड़े एक्सपेंसिव सर्किट की यूज नहीं पड़ता है इसके अंदर, इसलिए सस्ता होता है इसके लिए मेंटेनेंस ऑपरेटिंग करना भी। अब बात करते हैं कि सब अर्बन लाइन रेलवे सर्विस, सब अर्बन लाइन सर्विस रेलवे सर्विस में एक ही डिस्टेंस मतलब कि एक दो तीन किलोमीटर के अंदर स्टेशन रहते हैं, तो वहाँ पर अपन को स्टॉप करना स्टार्ट करना मेन पर्पज होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए अपन को, जो वोल्टेज होगा कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए वोल्टेज के अंदर। तो सेकंड पॉइंट दे रखी द वर्किंग ऑफ मोटर शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, जो वोल्टेज वेरी करता है कम ज़्यादा वो फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और थर्ड पॉइंट दे रखा है देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस टू द कम्युनिकेशन नेटवर्क रनिंग अलोंग द ट्रैक ऑन अकाउंट ऑफ पावर सिस्टम अडॉप्टेड। कहने का मतलब जो अपने कम्युनिकेशन लाइन नेटवर्क जा रहा है उसके पैरेलल में अगर आप लाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज, तो उसके कारण इंटरफेरेंस हो जाता है, वो इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए। वो किस केस में नहीं होता है इंटरफेरेंस, डीसी सिस्टम में यूज करेंगे तो इंटरफेरेंस अपन को नहीं होगा वहाँ पर। तो कहने का मतलब जो ऊपर की जो चीज़ है रिक्वायरमेंट है ऊपर की तीनों पॉइंट वो अपन डीसी सिस्टम से फुलफिल कर सकते हैं, तो डीसी सिस्टम के अपन एडवांटेज बढ़ लेते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं उसके डीसी सिस्टम यूज़ करने के। तो डीसी सिस्टम यूज़ करने के फायदे ये है कि फर्स्ट पॉइंट ये रखा कि फॉर एक्सेप्टिंग सेम टॉर्क करंट रिक्वायरमेंट इन डीसी सिस्टम इज लेस देन द इन एसी सिस्टम। सेम टॉर्क अगर करंट अपन को अचीव करना है, जो रिक्वायरमेंट है वो डीसी सिस्टम में इजी रूप से अपन प्राप्त कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट है लेस एनर्जी कंजप्शन कम्पेयर टू एसी सिस्टम। डीसी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो कम होता है कंपेयर टू एसी सिस्टम। थर्ड पॉइंट है द डीसी लोकोमोटिव एंड मोटर कोच इक्विपमेंट आर लाइटर इन वेट। जो डीसी लोकोमोटिव होता है वह हल्के होते हैं और सस्ते भी होती है, और इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मोर इफिशियंट होता है डीसी सिस्टम में। लेकिन अब जब डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो एडवांटेज है, कुछ फ़ायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं, तो अब डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, अगर ऐसे डिस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। ये कि लेस एफिशिएंसी ऑफ द सब स्टेशन, जो सब स्टेशन होते हैं उसकी एफिशिएंसी लेस होती है, क्योंकि एक डिस्टेंस से पहले छोटे छोटे इंटरवल में रख बनाए जाते हैं उसको सब स्टेशन को। सेकेंड पॉइंट यह है कि इन ऑर्डर टू कीप द वोल्टेज ऑफ रिटर्न रेल, जो रिटर्न वोल्टेज चाहिए रिटर्न पाथ चाहिए वो रेल्स के द्वारा चाहिए अपन को, तो उसकी लिमिट होती है एक, तो उसके लिए क्या चाहिए एक एडिशनल इक्विपमेंट भी लगाने पड़ते हैं, सच इज नेगेटिव बूस्टर इज रिक्वायर्ड। वहाँ पर अपन नेगेटिव बूस्टर चाहिए ताकि जो सोर्स है तक पहुँचाई दे सके। और थर्ड पॉइंट है इसके नंबर ऑफ सब स्टेशन रिक्वायर्ड इज मोर डीसी सिस्टम के अंदर, क्योंकि लो वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज की वजह से क्या है ना ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस पे कर नहीं सकते हैं, अगर कर देंगे तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए एक टाइम इंटरवल पर एक डिस्टेंस पर बहुत सारे सब स्टेशन लगाने पड़ते हैं ताकि एक वोल्टेज मेंटेन रख सकें इसलिए। और फोर्थ पॉइंट है सब स्टेशन आर मोर कॉस्टली एज कन्वर्टिंग मशीनरी इज रिक्वायर्ड। सब स्टेशन कॉस्टली हो जाते हैं क्योंकि जो अपने इलेक्ट्रिक आइटम यूज करते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो देखा है अपने कि एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम दोनों को अपनी अपनी जगह फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। अगर अपन को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे में यूज़ करते हैं वो सिंगल फेज एसी सिस्टम यूज़ करते हैं आज के टाइम पर, उसका वोल्टेज होता है 25 kV वोल्ट होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो सब स्टेशन होते हैं वो भी लॉन्ग डिस्टेंस पर बनाने पड़ते हैं, तो कॉस्ट अल्टरनेट जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और लाइन लॉसेस होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है इसकी स्पीड, हाई स्पीड मेंटेन करते हैं क्योंकि दो स्टेशन के बीच में गैप भी अगर मेंटेन है एक कंपेयर टू सबअर्बन जो रेलवे सर्विस है उसकी तुलना में, इसलिए ये मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के टॉपिक में यही चर्चा की थी।